श्रीनगर के तंगधार में 3 दिन पहले साथियों के साथ हिमस्खलन में शहीद हुए झज्जर के मुंसा गांव के अमित कुमार का गमगीन माहौल में शुक्रवार देर शाम पृथक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद अमित के बड़े भाई सैनिक ने अपने छोटे भाई को मुखाग्नि दी। इस बीच भारत माँ के जय और अमित कुमार अमर रहे के नारे लगे। शहीद अमित कुमार के पार्थिव शरीर के साथ सैन्य अधिकारियों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारियों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने शहीद अमित के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद अमित के परिजनों के अलावा पूरा गांव पिछले 48 घंटों से शहीद अमित के पार्थिव शरीर के गांव में आने का इंतजार कर रहा था। इधर दो भाई हैं, दोनों भाई आर्मी में हैं और इसका बब्बू है वो पशुओं का डॉक्टर है। इसका अमित का एक लड़का है, 1 साल का ओलिया, नक्स नाम है। तो कैसे क्या घटना हुई थी आपको बताओ? ये ड्यूटी थी श्रीनगर में, वहाँ बर्फ में दब गया। 4 आदमी 5 थे, 4 मर गए, 1 बच गया। अच्छा, ये वही आर्मी में थे, तंगधार की पोस्टिंग थी, उधर ही थे अभी फिलहाल। मार्च में छुट्टी काटी थी, तभी छुट्टी नहीं आया था। ठीक, अभी 3 तारीख को वो पता है जो हादसा हुआ है उसमें वो शहीद हो गए। कितने जवान थे वहाँ पे? वहाँ पे 5 जवान थे जो रखे के लिए निकले थे, उनमें से 1 जवान बचा है और 4 शहीद हो गए। गांव का इसका भाई, बड़ा भाई, उसमें भी फौज में है और ये भी परिवार 7 महीने हुए थे इसको गए हुए। अभी छुट्टी आना था, 20 तारीख को छुट्टी आना था। इनकी ये बात हुई, यहाँ पर परिवार की बात हुई थी। इनका फादर है वो डांगरों का डॉक्टर है और वो कवाड़ी से उसकी ड्यूटी है। सूचना सुबह सरपंच साहब ने दी तो वो वापस आए वहाँ से और बैठ के जो प्रशासन आया उन्होंने बताई ऐसे ऐसे वो होगी। तो जब से तैयारियाँ और उनको सूचित किया। दोपहर बाद करीब शाम 4 बजे जैसे ही शहीद अमित का शव गांव में लाया गया तो हर किसी की आंखें नम हो गई और सभी ने गुंजयमान नारों के बीच शहीद अमित के सम्मान में नारे लगाने शुरू कर दिए। शहीद अमित के पार्थिव शरीर के साथ आई सेना के जवानों की टुकड़ी और हरियाणा पुलिस की टुकड़ी ने शहीद अमित को श्रद्धांजलि दी। न्यूज डेस्क।